हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट है तो डेली बेसिस पे आपको जनरल नॉलेज पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम 100% कोशिश करते हैं कि आपके लिए डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आएं, ताकि आप डेली कम से कम 10 क्वेश्चन अच्छे से जान सकें। आज की इस वीडियो में भी आप जनरल नॉलेज से जुड़े 10 क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये बताइए कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो आइए इसका सही जवाब जान लेते हैं। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब आपको ये बताना है कि घोड़े का जीवन काल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा घोड़ों का जीवन काल 62 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप ये बता सकते हैं हमारे हड्डी को जोड़ने वाला तेल कौन सा है। आइए जान लेते हैं इसका सही जवाब। हड्डी को जोड़ने वाला तेल जैतून का तेल है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। इसका सही उत्तर होगा पालक में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये बताइए कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो सुनिए दोस्तों, गुरु नानक जी का जन्म अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में 71 सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष खिताब जीता। अगर आप भी नहीं जानते इसका सही जवाब तो सुन लीजिए, इसका सही जवाब है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7, ये बताइए कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है। इसका सही जवाब है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, गुजरात के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, डेंगू का ज्वर संक्रमण फैलाने वाला विषाणु का नाम क्या है। दोस्तों, डेंगू ज्वर का संक्रमण फैलाने वाले विषाणु का नाम है एडीजी इजिप्टी। क्वेश्चन नंबर 10, जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन, ये बताइए कि मरने के बाद क्या होता है। देखिए, मरने के बाद क्या होता है, मौत के कुछ समय बाद ही शरीर के डीकम्पोजिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जीते जी जो एंजाइम खाना पचाने में मदद करते हैं, मौत के बाद वही शरीर के अंगों को पचाना शुरू कर देते हैं। सबसे आखिर में हमारे शरीर की हड्डियां का डीकम्पोजिशन होता है। मौत के 10-20 साल बाद शरीर की हड्डियां गलना शुरू होती है। वैसे तो देखा जाए तो मरने के बाद बहुत कुछ होता है, लेकिन मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट ही आज इस वीडियो में रखा है। दोस्तों, आप ऐसे ही वीडियो देखकर अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस देखिए और नॉलेज इंक्रीज करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।